मोदी सरकार के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद केंद्र सरकार द्वारा की गई उपलब्धियों को लेकर जिला फाजिल्का में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रदेश कमेटी के उप अध्यक्ष डीपी चंदन विशेष तौर पर पहुंचे। इस मौके पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री चौधरी सुजीत कुमार जयानी, अबोहर के विधायक अरुण नारंग सहित जिले भर की लीडरशिप और बीजेपी वर्कर शामिल हुए। इस मौके प्रेस वार्ता करने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश के उप अध्यक्ष डीपी चंदन ने कहा कि देश में दूसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद पिछले साल में मोदी सरकार द्वारा महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें विशेष तौर पर धारा 370 और 35A को हटाना, करतारपुर कॉरिडोर खोलना और देश में फैली महामारी को लेकर गरीब वर्ग में मजदूरों, दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और किसानों के हित को देखते हुए 20,970,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया है। वहीं इस मौके उन्होंने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब सरकार हर क्षेत्र में फेल होती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 1,42,00,000 लोगों के लिए राशन सामग्री भेजी गई थी, लेकिन पंजाब सरकार द्वारा अभी तक उसे बांटा नहीं गया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शिक्षा को लेकर कोई पॉलिसी नहीं तैयार की गई है, जिससे लोगों को राहत मिले और ना ही लोगों से किया हुआ कोई वायदा पूरा किया गया है। अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जी फाजिलका हैडक्वाटर से हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पद्धर तो 33 जिले तय हुई है और वो इस जिले मैं अज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी के 1 साल दिया उपलब्धियां जीडिया हुई हैं उन्होंने लैके रखी गई है और जी सोशल जस्टिस जोड़ा उन्होंने मुक रख के देश की अखंडता मुख रख के देश की इंटीग्रिटी मुख रख के जी है जेडे डिसीजन कोई भी वो सरकार जी इच्छा शक्ति रखती है वो कर सकती सी और मोदी जी ने करके दिखाए, चाहे 370 धारा की गल कर लो, 35A की गल कर लो, चाहे CAA कानून की गल कर लो, चाहे करतारपुर कोरीडोर की गल कर लो, चाहे तुसी जेड़ा हुण करोना फैलिया एक महामारी जी कि बड़ी सारी दुनिया से जो फैला होया उन्होंने इफेक्टिवली और टाइमली डिसीजन लैके उन्होंने रोकया गया और काफ़ी हद तक मिनीमाइज़ किया गया दुनिया के मुकाबले और उस नाते एक जेडे इफेक्ट हुए सैगमेंट सन जिन्हें चाहे वह मजदूर से गरीब से किसान से दुकानदार से हर एक का ध्यान रखद हो 20,09,70,00,000 का जोड़ा पैकेज जो डिकलेयर किया वो जोड़ा आर्थिक राहत दी है उसमें लैके अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और वो मैं गल प्रेस से रखी है। देखो पंजाब सरकार की गल करिए कला ये शिक्षा के दृष्टिकोण ना ही मैं कहता ज सिक्ख्या मंत्री की गल नहीं करता, पंजाब टोटली फेल होया। देखो 1,42,00,000 लोगों वास्ते ना अनाज आया 31 मई अपना मार्च का 31 मार्च का वो लॉट होया लेकिन अज तक वो मंडिया नहीं गया और वो पंजाब की 70% जनता बनती है 1,42,00,000 लोग जोड़े तो उन्होंने दिता गया तो इन्होंने किसी भी तरीके ना तो जोड़े आ किसी वादे के पूरे उतरे है तो ना ही ये अपने एजुकेशन पॉलिसी कोई बना सके जिद लोगों को राहत दी जा सके। कैप्टन साहब ने कहा महामारी के दौरान जो कोई डॉक्टर हॉस्पिटल अपनी ओपीडी बंद करेगा कार्रवाई होगी पर हाले तक किसी कोई हॉस्पिटल से कार्रवाई नहीं हुई। देखो ये मैं पंजाब की खुशकिस्मती समझदा कि पंजाब के काफ़ी हद तक इस त्रासदी तो बचे हैं लेकिन सरकार वालों कुछ लंबा चौड़ा कई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया गया, अगर जे बचत हुई है तो परमात्मा की वजह करके हुई है। जेडे केंद्र असी लवेंगे स्टैप अज तक कोई नहीं ले गए उन्होंने पूछा जाए। फाजिलका से कैमरामैन सुरिंदर के साथ इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट, जनहित एशिया।